आज एक बंदा आता है जिसने भाई साहब इतना खतरनाक वाले क्लचेस करके रखे थे पूरे के पूरे लॉबी में, जिसको देखने के बाद आप भाई पागल हो जाओगे, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मतलब बंदा 1v4 पे 1v4 किए जा रहा था और उसके साथ हमारी फाइट भी होती है, लेकिन भाई साहब उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे मैच में आया हुआ था एक मैक्स फेरो एक्स सूट, और साथ ही साथ भैया उसके पास येलो मम्मी सूट था जो कि उसने किसी और को दे दिया। यहाँ पे हमारी फाइट आज होने वाली है भैया एक तो सुपर रिच प्लेयर से और एक गॉड लेवल प्रो प्लेयर से, तो खतरनाक वाला मैच है। बस आप लोग लास्ट तक देखते रहो, जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो लोग भी नए हो क्या करोगे तुम लोग, हाँ सब्सक्राइब और लाइक, सब्सक्राइब लाइक कर देना गाइस। अब हम लोग यहाँ जॉर्जियो पुल में उतरते हैं और जॉर्जियो पुल में हमारे साथ उतर जाती हैं 2 से 3 स्क्वाड, और यहाँ पे भैया फेरो का जो नाम था वो रिवील हो चुका था, उत्कर्ष नाम था, गॉडनिक उत्कर्ष, तो हम लोग को पता चल गया था उसका नाम, लेकिन वो यहाँ पे जॉर्जियो पुल में नहीं आया था। हॉट ड्रॉप वैसे फर्स्ट जॉर्जियो पुल ही था, तो हमने सोचा ये लोग भी यहीं उतरेंगे तो हम भी यहीं उतर जाते हैं। सामने खतरा है, अब मुझे हिल पे एक बंदा स्पॉट होता है, उसको मैं मारने का ट्राई करता हूँ डीपी से, लेकिन भैया थोड़ा 1-2 ही बुलेट लगती हैं, और यहाँ पे जैसे हम लोग इधर साइड रहते हैं हिल में हो जाती है घमासान फाइट। अब यहाँ पे इस बंदे का नाम पढ़ना जिसको मैंने नॉक और फिनिश किया, ठीक है, मैंने इसका नाम पढ़ने के लिए क्यों कहा है वो आप लोग को गेम के एंड में पता चल जाएगा। अब स्पाइडर को मैंने पीछे भेजा था जाके गाड़ी लेके आया, तब तक हम लोग हिल के साइड से वो सिटी वाले बंदों पे जाते हैं रस करने के लिए, लेकिन भाई साहब यहाँ स्पाइडर मॉन के पास तो अलग ही एक बंदा आ गया जो कि स्पाइडर को मारने का ट्राई कर रहा था, तो यहाँ विक्की को मैंने बोला कैसा कर कि डायरेक्ट चलते हैं पहले इस बंदे को भरते हैं। भैया जॉर्जियो पुल में ये बंदा बैठा कहाँ था हमें ये भी नहीं मालूम था। अरे अंदर भी चला गया तो। अब लेफ्ट साइड से इस बंदे के फुट्स आए और ये बंदा कंटेनर के अंदर घुस गया। मैंने खोला स्टन और बेचारा स्टन से अंधे होने के डर में बाहर आया, और जैसे ही बाहर आया यहाँ पे इनकी बन गई पेटी। स्पाइडर को वापस भेजा गाड़ी लेने के लिए एंड वापस से स्पाइडर मॉन पे हमला। भाई बंदों को स्पाइडर मॉन कितना पसंद है भाई, उसके लिए बैठे रहते हैं स्पाइडर मॉन को भरने के लिए, और इस बार तो स्पाइडर मॉन मरते मरते ही बचा, हाफ HP हो गया। मैंने कहा भाई स्पाइडर तेरा तो अलग ही यहाँ पे भाई वो फैन फॉलोइंग है गेम के अंदर, एक एक बंदे बैठे रहते हैं तुझे मारने के लिए। अब जैसे हम यहाँ पे पीछे आए तो यहाँ पे एक बंदे की फुट्स आए, मुझे लगा वही बंदा, मैंने देखा ये तो बॉट अंकल है। मैंने बोला स्पाइडर मॉन बॉट अंकल से तूने हाफ HP करवा ली यहाँ पे यार, लेकिन हमें पता था वो बॉट अंकल नहीं थे, वो असली बंदा था और जो कि यहाँ पे पीछे के साइड था। मैंने यहाँ पे ग्रेनेड कुक किया, तो मेरी साइड आ गया। और ये भैया को यहाँ पे हम लोगों ने भर दिया बेचारे। ये दोनों अकेले क्या कर रहे थे भाई, स्पाइडर मॉन को मारने का बस वेट कर रहे थे यहाँ अकेले बैठ के। फिलहाल के लिए हम गाड़ी लेके आते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे चल रही थी फाइट, यहाँ पे बंदे थे 2 घरों में, तो मैंने यहाँ पे बीच में गाड़ी रोकी नहीं क्योंकि हमें नहीं पता था कि भैया बंदे कितने और कहाँ कहाँ हैं, तो एक राउंड मैंने यहाँ पे डासिया घुमाई। अब हमें लगा कि यहाँ पीछे की साइड भी बंदे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पीछे की साइड से किसी के भी फुट्स नहीं है क्योंकि अक्सर यहाँ बिल्डिंग्स में बंदे बैठे रहते हैं, तो हम यहाँ पे वापस जाते हैं उन्हीं बिल्डिंग्स की साइड, और यहाँ पे भैया हो जाता है गलत वाला सीन। एक बंदे को मैंने नॉक किया और ग्रेनेड करके उसके बाद इन बंदों पे कर दिया रस, लेकिन इस घर के अंदर से भैया 2 बंदों के फुट्स आए। मैंने कहा एक तो अभी रिवाइव हुआ नहीं और फुट्स आ रहे हैं 2 बंदों के, तो मैंने यहाँ पे कहा आपने टीममेट्स को, तो टोटल 3 बंदे हैं, आराम से रस करते हैं। और भाई आज के आप लोग बस ग्रेनेड्स देखना, आगे जा, कोई आगे जा।
भाई एचपी देखो आप लोग, इसको आप लोग बोल सकते हो 1 HP क्लच। तो यहाँ पे एक बंदा राइट में बैठा था, मुझे लगा कि तीनों नॉक हो गए होंगे, एक बंदा नॉक बड़ा हुआ था जो नॉक ही होगा, लेकिन यहाँ पे भैया एक बंदा नॉक नहीं हुआ था, वो रिवाइव हो गया था। और यहाँ पे भैया वो बंदा फुट्स दिए बिना बैठा था, मैं उस पर स्टन कर रहा था, लेकिन वो तुरंत बाहर आ गया स्टन की आवाज़ सुन के और मुझे 1 HP कर दिया, लेकिन मैंने वहाँ पे उसको भर दिया अपने टीम मेट्स की हेल्प से। अब उसके बाद यहाँ पे हमें मिल जाता है उड़ने वाली किट, तो उसका यूज करके हम लोग आते हैं पोचिंग की। आप पोचिंग से हम स्कूल के साइड जा रहे थे, लेकिन वहां से फायर तो आ ही रहा था, यहाँ पे हिल के साइड एक यूएस भी दिखाई दी, तो हम लोग डायरेक्ट लेफ्ट साइड आते हैं यूएस के साइड, ये स्कूल वालों से बाद में फायर ले लेंगे। और तभी भाई सारे बंदे यहाँ थे, रोजॉक पे भी फायर चल रही थी। अब यहाँ पे भाई गलत ही लेवल का सीन हो गया, यहाँ पे मैंने कुछ बंदों को डैमेज किया, एक बंदे को नॉक किया, और सामने वाले बंदे जो रोजॉक पे थे उन्होंने भाई पूरा फायदा उठा लिया और सारे के सारे किल हमारे कर लिए चोरी। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट जाते हैं उन बंदों पे रस करने के लिए। और यहाँ पे अभी जो एक अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लेयर मिलने वाला है ना, उसको देख के आपका माइंड ऐसे ऐसे फट जाएगा ना, देखना बस आप लोग। फिलहाल के यहाँ पे स्मोक को हम समझ गए यहाँ पे हो सकता है बंदे हों, हम यहाँ पे आए घर के अंदर स्पुट से। अब ये देखो Attack the mark. Attack the mark. दिख रहे हैं ये प्रो प्लेयर कहाँ पे हैं? लो भैया डिंगू 01 भाई, इस बंदे ने मुझे एक्सट्रीम को विक और स्पाइडर को तीनों को नॉक कर दिया, साथ ही साथ जिस बंदे को हम लोग मार रहे थे यहाँ घर के अंदर था उसको भी नॉक फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे मैंने विक्की को बोला कि ऐसा कर, हिल के नीचे आ जा क्योंकि वहाँ पे थ्रोएबल्स आ सकते हैं, मुझे रिवाइव दे दे और पीछे की साइड से चल। जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं पीछे की साइड, हम पे एक बंदा कर देता है रस। मैंने यहाँ पे ग्रेनेड कर दिया पीछे जाके ताकि वो बंदा आगे रश ना कर पाए। विकी को बोला कि जाके एक्सट्रीम और स्पाइडर को रिवाइव दे, मैं यहाँ पे हील करके आ रहा हूँ, तो कवर फायर वगैरह मैं दे दूंगा। मैंने यहाँ पे स्मोक डाल दिया जल्दी जल्दी से लेफ्ट साइड में पूरे और राइट साइड में भी एक दो। अब ये डिंगू 01 जो लेटा हुआ था उसका तो किसी ने पिंगू बना दिया, मतलब पीछे साइड एम गॉड भैया ने उसको भर दिया। यहाँ पे मैं डायरेक्ट जाता हूँ ऊपर हिल, इस घर के ऊपर हिल साइड के बंदे और जो वेयर हाउस के पीछे वाले बंदे थे उनको स्पॉट करने के लिए। जैसे यहाँ पे आया वेयर हाउस के अंदर से एक बंदे के फुट्स आए और पीछे से भी एक बंदे के फुट्स आए। मैंने अपने टीममेट्स को बताया कि यहाँ पे दो बंदे हैं। एक बंदे को नॉक किया लेकिन दूसरा वाला बंदा यहां से बिल्कुल गायब भी हो गया। मैंने अपने टीममेट्स को बोला भाई दूर दूर रहो, ग्रेनेड आएगा दो सब लोग फट जाएंगे। और जल्दी से यहां शॉप में आके सबसे पहले तो वेस्ट खरीदी एंड उसके बाद दूसरे वाले बंदे की तलाश में हमने बोला कि चलो निकलते हैं जल्दी से। और तब ये भैया बैठे हुए थे यहाँ पे, अब इनको भरा मैंने, इन्होंने एक्सट्रीम को नॉक किया था, बग्घी से उतार दिया था, उसके बाद रिवाइव वगैरह दे के हम लोग डायरेक्ट जोन के अंदर चलते हैं कि भैया क्योंकि जोन बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा। अब मैंने बोला था ना आप लोगों को कि नाम आप लोग पढ़ के रखना, नाम पढ़ो। वो दूसरा वाला रितेश था लेकिन ये वाले रितेश ने भैया पूरा का पूरा 1v4 कर दिया, वो भी तगड़े वाला। और अब हमारी होने वाली थी फाइट इसी बंदे से। और भैया फेरो वाले भैया कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। आपने अगर किल मैसेज में उनकी मौत देखी तो मुझे कमेंट्स में बताना, हमें लगा कि शायद हो सकता है कि इसी टीम में वो फेरो वाले भैया हो। तो मैंने यहाँ पे बोला स्पाइडर को कि तू गाड़ी लेके पीछे साइड घुमा। और
और यहाँ पे हम लोग इन घरों पे जाते हैं रस करने के लिए, लेकिन भैया ये घरों पे बंदे थे ही नहीं, वो तो पीछे के साइड थे स्पाइडर के साइड। अब एक बंदे को मैंने नॉक किया, स्पाइडर पीछे से एकदम गाड़ी घुमा के आया और स्पॉट किया उसने बंदों को, पीछे बंदे लेटे हुए थे। और मैंने बोला विक्की को ये देख पेटी भाई यहाँ पे, अब ये देखो भाई भाई ये क्या था। बंदे को मैं कवर से स्मोक के अंदर मारने का ट्राई कर रहा हूँ और भाई उस बंदे ने मुझे उतने छोटी सी जगह से और बिल्कुल साउंड सेंस उस बंदे का जबरदस्त था, उसने मुझे नॉक कर दिया यहाँ पे स्मोक के आर पार। और लेफ्ट साइड में हिल पे भी एक बंदा था जिसने मुझे फिनिश करने का ट्राई किया। फिलहाल के लिए ये बंदा जबरदस्त खेल ही रहा था, साउंड सेंस कमाल का था, लेकिन हमने इसको दिखाया कि भैया हमारे ग्रेनेड्स भी कमाल के। एंड बूम, एक ग्रेनेड से दो गए एंड बूम। इस वाले ग्रेनेड से भी दो गए। नाम पढ़ो आप लोग, वही बंदे को नॉक कर दिया मैंने जिसने 1v4 किया था। और ये वाले ग्रेनेड्स के लिए गाइस एक लाइक तो बनता है। अब यहाँ पे सिर्फ आखिरी बंदा बचा हुआ था, तीन बंदे तो हमने भर दिए, तो मतलब कि वो जो हिल वाला बंदा था जो लेफ्ट साइड हिल से मार रहा था वो एक्चुअल में इन्हीं का टीम मेट था। और विक्की एक्स टीम आगे की तरफ गए और तभी उन्हें वो बंदा लेटा हुआ स्पॉट हो गया। भाई साहब वहाँ पे वो नॉक वाला बंदा था, मुझे लगा वही बंदा है, मैंने उसको भरा और तभी उसके राइट साइड से उसने फायर किया, तो साउंड सुन के मैंने तुरंत एम अपना राइट साइड शिफ्ट किया एंड उसके बाद थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट किया और वो बंदा जो लेटा वाला था उसको यहाँ पे भर दिया। तो आज का गेम प्ले आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट्स में बताइएगा, और लास्ट का भाई ये वाला जो ग्रेनेड्स थे वो कैसे लगे कमेंट्स में बताएगा। अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जो लोग भी नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। और भैया गॉड उत्कर्ष भाई पता नहीं कहाँ गायब हो गए, हमें तो पता ही नहीं चला, पूरे मैच में हम फाइट लेते रह गए और उन्हें ढूंढते रह गए मगर वो तो मिले ही नहीं। तो फिलहाल के लिए मिलते हैं गॉड ने कमाल की गेम प्ले में, इंसान आ रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।